नमोनमः बच्चों, क्लास सिक्स में सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम कंटिन्यू लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसको संस्कृत में द्वादशाः पाठाः कहते हैं। ठीक है, द्वादशाः पाठ मतलब 12वां चैप्टर नंबर 12। पाठ का नाम है कस्मात् काभ्याम् केभ्यः। नाम क्या है पाठ का? कस्मात् काभ्याम् केभ्यः। यह पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्याम् केभ्यः, इसका प्रयोग हम क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कस्मात् का अर्थ होता है किससे, किन दो से, किन सब से। और यह जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, यह आपका प्रोजेक्ट वर्क भी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया गया है। आइए हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका प्रयोग जो है सभी बच्चे देखेंगे, आप लोगों के पाठ के अंदर इस तरीके से चित्र बने हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट चित्र में वृक्ष बना हुआ है, इसी तरह से आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना है। वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष का चित्र है, उसके यहाँ पर ये देखिए आप सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे वृक्षात फलम पतति, है ना, वृक्ष से फल गिरते हैं या वृक्ष से फल गिरता है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट वर्क में 10 वाक्य पंचमी विभक्ति से संबंधित विध चित्र के साथ में, रंगीन या कलरफुल तरीके से आपको उसको पूर्ण करना है। तो आइए हम पहले तो ये इसका ग्रामर समझ लें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ग्रामर ही है ना। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब वृक्षात पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। किसी भी शब्द के अंत में यदि हम पुल्लिंगवाची शब्द हो, किसी भी शब्द के अंत में यदि हम आ की मात्रा और ता लगा देते हैं तो वह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का बन जाता है। जैसे वृक्ष है तो वृक्षात हो गया, यदि राम है तो क्या बन जाएगा, रामात बन जाएगा, बालक है तो बालकात बन जाएगा। ठीक है, राहुल है तो राहुलात बन जाएगा। पुल्लिंगवाची जो भी शब्द है उस शब्द के अंत में यदि हम आ की मात्रा और ता लगा देते हैं तो वह पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द बनता है। आइए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको इसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन होगा तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, संस्कृत में क्या होता है क्वेश्चन, वृक्षात की जगह पर क्या जाएगा, कस्मात, किस से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कस्मात पत्राणि पतन्ति, किस से पत्ते गिरते हैं या कहां से पत्ते गिरते हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, सेकेंड एक और सेंटेंस देखेंगे सभी बच्चे, पर्वतात नदी बहती, है ना, पर्वतात, यहाँ भी पर्वत मूल शब्द हो गया, यहाँ पर हमने आ की मात्रा और ता लगा दिया तो शब्द हो गया पंचमी विभक्ति एक वचन का, जिसका हिंदी अर्थ होता है पर्वत से नदी बहती है। अब इसके नीचे अंडरलाइन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, है ना। तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क्स, यदि लास्ट में आत लगा हुआ है तो क्वेश्चन बनेगा इसका कस्मात, है ना, मतलब कहां से। ठीक है, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कस्मात नदी बहती, मतलब यहाँ यदि आत है तो आपको कस्मात क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, संस्कृत में क्वेश्चन का से ही स्टार्ट होते हैं तो कस्मात होगा, या आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बुक में आप लोगों के बहुत विस्तार से इसको समझाया गया है। ये तो पुल्लिंगवाची हो गए। यदि मान लीजिए कि स्त्रीलिंगवाची शब्द आ गया, जैसे कि पाठशाला याह लिखा हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ पर पाठशाला के प्लेस पर यदि बालिका होता तो षष्ठी में पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता, बालिका याह, उसके अंत में या आ की मात्रा और विसर्ग लगा देंगे तो वह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का बन जाएगा। ठीक है, जैसे पाठशाला लिखा है, है ना, इसमें या लगा दिए तो क्या बन गया, पाठशाला याह, यदि यहाँ पर बालिका होता तो क्या बन जाता, बालिका याह, यदि यहाँ पर रमा होता तो क्या बनता, रमा याह, इस तरीके से। ठीक है,
तो यदि इसे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन में इसको परिवर्तन करना है, तो यहां पर हम लोग स्त्रीलिंग का शब्द ठीक है यहां पर लगाना है। यहां पर जिस तरीके से हमने कस्मात लगाया, यहां पर बनाएंगे तो कस्याह बनेगा। यदि यहां पर यह आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स में भी लास्ट में या आपकी मात्रा विसर्ग आना चाहिए, ठीक है, सेम शब्द होना चाहिए। जैसे पाठशाला या, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन शुरू होगा, कस्याह बहि वृक्षा सन्ति, मीनिंग इसके बाहर वृक्ष हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाठशाला या पाठशाला के अर्थात विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। इस तरह से यह आपका एक प्रोजेक्ट वर्क भी है चैप्टर नंबर 12, और यह आपके लेसन में भी आपको पढ़ना भी है। हम लोग जब भी जूम क्लासेस होंगे तो उसको और अच्छे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। यह आप लोग अच्छी तरह से आप इसका प्रिपरेशन करें, इसको प्रिपेयर करें। अभी तो हमने सिर्फ एक वचन के वाक्य बना करके समझाए हैं, ठीक है। इसमें आपको पाठ के अंतर्गत द्विवचन के भी मिलेंगे बहुत सारे वाक्य, और बहुवचन के भी मिलेंगे। तो सभी बच्चे चैप्टर नंबर 12 से अपना अपना प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बनाएं, और समय से सभी बच्चे उसे सबमिट करें, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। सभी बच्चों के लिए तब तक नमस्कार।